मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल हमीद है सर जी। क्या मसला है सर? आज मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का ये मकसद है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ। मैं पिछले दिनों स्टेट प्रेसिडेंट जनाब रविंद्र राणा साहब से जम्मू मिलने गया और वहाँ पर मेरा एक फ़ोटो उनके साथ जो है मैंने अपने आईडी पे रखा, गुलदस्ता देकर के उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की। और सर जो मेरी आईडी फेसबुक आईडी जब मैंने वो फ़ोटो अपलोड किया तो वहाँ से कुछ लोगों ने उतार करके और उसमें ख़ास करके ग़ुलाम हसैन मेलू शाहपुर का रहने वाला सर, उन्होंने ग्रुप दुपरियन डेवलपमेंट ग्रुप जो है पंचायत दुपरियन डेवलपमेंट ग्रुप है उसके अंदर वो फ़ोटो शेयर किया गया और फ़ोटो के ऊपर सर जो है मेरा फ़ोटो है उसके ऊपर जो है बिंदी लगाई गई, बिंदी लगा करके और उसके ऊपर लिखा गया कि ये मज़हब चेंज कर चुका है, ये नऊज़ बिल्ला इस्लाम को छोड़ कर के हिंदू मज़हब इसने कबूल कर लिया है। और उसके बाद सर पंचायत शाहपुर लोवर एक ग्रुप है उसमें भी इन्होंने ये फ़ोटो मेरा शेयर किया। तो उसके बाद काफ़ी ग्रुपों के अंदर ये हो गया, एक मुश्ताक हुसैन है खनेतर का सर, उन्होंने भी मेरा ये जो फ़ोटो है शेयर किया ग्रुपों के अंदर और लोगों को भी पर्सनल भेजा और लिखा गया यहाँ पर कि ये मज़हब जो है चेंज कर चुका है। तो इससे सर मुझे बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किए और मैसेंजर से इमू से मुझे अनजान नंबर से जो मुझे कॉलें आ रही हैं और मुझे मारने की धमकी दी जा रही है कि तुझे जान से हम मार डालेंगे, तूने मज़हब चेंज कर दिया। सर मेरा ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने जनाब रविंद्र राणा साहब के साथ खाली खड़े होकर के फ़ोटो जो है मैंने खिंचवाया है, ना कि मज़हब चेंज किया है। तो सर ये मुझे धमकियां दे रहे हैं ये लोग और मुझे जान से मारने की बहुत बड़ी धमकियां आ रही हैं और मुझे जो है समाज के अंदर भी गांव के अंदर भी ना जाने लोग जो हैं भोले भाले लोगों को गुमराह करके ये बताया गया है कि ये इस्लाम छोड़ चुका है नाउज़ बिल्ला। तो ऐसा मेरा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात ही कोई नहीं है। ये शर पसंद जो चंद लोग हैं सर ये आप देख सकते हैं कि ग़ुलाम हसैन मेलू जो शाहपुर का कोई है जिन्होंने मेरा ये फ़ोटो शेयर करके मुझे बहुत बड़ी परेशानी मेरे लिए खड़ी कर दी है। अब क्या चाहते हैं आप? सर मेरी इंतज़ामिया से डीसी साहब से एसएसपी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि मुझे बहुत बड़ा ही ख़तरा लायक हो गया है, मुझे ये लोग जो है ना जाने जिन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की है, जिन्होंने एक देखो मैं एक हाफिज़ हूँ, मसल में नमाज भी पढ़ाता हूँ सर, तो आज मुझे ये चीज़ें धमकियाँ दिलाई हैं और मुझे कहा गया कि इस्लाम छोड़ गया नाउज़ बिल्ला। तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से डीसी साहब से एसएसपी साहब से कि इस बंदे को के ऊपर एफआईआर लगवा करके ऐसे बंदों पर, और उसमें जमात अहले सुन्नत खनेतर ग्रुप भी है, दुपरियन डिपार्टमेंट के जो है एडमिन लोग हैं इन्होंने मुझे ये गालियाँ बकवाई हैं और जान से मारने की धमकियां जो हमें दिलाई हैं। और कुछ लोगों ने सर मतलब ऐसा भी कहा कि तुझे मिलिटेंट्सों से हम मरवा देंगे दिन दिहाड़े। तो इससे सर ये जो काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, कई लोगों को जो है मर रहे हैं, तो ऐसे मुझे इन लोगों से बहुत बड़ा ख़तरा हो चुका है। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि मेरा डिफेंस करें और इस पर इन पर एफआईआर लगा करके इनको पूछा जाए कि मेरे साथ ऐसा इन्होंने क्यों किया।